नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। मथुरा पुलिस और LIU की टीम ने कई वर्षों से गोवर्धन इलाके में रह रहे साधु वेशधारी तीन विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए सभी विदेशी नागरिक साधु के रूप में वहां काफी दिनों से रह रहे थे। जब टीम ने इनकी पड़ताल की तो इनके पास कोई भी कागजात नहीं मिले। फिलहाल पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है। मथुरा पुलिस और LIU की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके मथुरा इलाके में रह रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों विदेशी नागरिक हैं और साधु के रूप में पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे। पकड़े गए विदेशी नागरिकों में एक लातविया, दूसरा यूक्रेन और तीसरा रशिया का रहने वाला है। इन तीनों विदेशी नागरिकों को मथुरा की LIU टीम ने कस्बा राधाकुंड की राधा नगर कॉलोनी व कांच मंदिर के समीप से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए विदेशी नागरिकों में एक नागरिक की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी थी, जबकि दो नागरिक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस संबंध में मथुरा देहात SP आदित्य शुक्ला ने बताया कि तीन साधु वेशधारी विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये तीनों विदेशी नागरिक पिछले काफी समय से वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी चोरी छुपे गोवर्धन इलाके में रह रहे थे। पकड़े गए विदेशी नागरिकों का कहना है कि वो यहाँ रहकर भजन कीर्तन करते थे। पुलिस अब इन तीनों विदेशी नागरिकों से पूछताछ कर रही है, इनका रिकॉर्ड खंगाल रही है। आपको बता दें कि बगैर वीजा पासपोर्ट के किसी भी देश में रहना गैरकानूनी होता है और इसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।